नमस्कार, मैं उपार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ हज़रत बल दरगाह। हज़रत बल दरगाह की वैसे वीडियो तो मैंने आपको डाल दी है, लेकिन आज एक बात और, ये जो टाइमिंग है, हम लोग इस समय श्रीनगर में हैं और श्रीनगर की सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात कि इस समय हो रहा है 7:13 और आप देख सकते हैं कि अभी भी हल्का हल्की सूर्य की किरणें अभी बिखर रही हैं, यानी अभी पूरी तरह से शाम नहीं ढली है, यानी अभी रात नहीं हुई है। और ये है श्रीनगर का मार्केट, हम श्रीनगर के मार्केट में प्रवेश करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा रोमांच, थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी चीज़ को श्रीनगर के। तो अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आइए हम आपको बताते हैं। तो भारत में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एक ही टाइम जोन है, यानी कि एक दिल्ली से ही में जो टाइमिंग होती है वही टाइमिंग पूरे हिंदुस्तान में रहती है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि किस राज्य में सुबह होती है, तो सबसे पहले सुबह होने वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। अगर बात करें कि सबसे लास्ट में किस कहां पर सुबह होती है, तो सबसे लास्ट में सुबह होने वाला राज्य गुजरात है। अगर बात करें कि सबसे पहले अंधेरा कहां होने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे पहले अंधेरा होता है अरुणाचल प्रदेश में और सबसे देर में अंधेरा होता है गुजरात में। तो अभी देखिए, अभी तो मान लीजिए कश्मीर है, श्रीनगर का सीन है कि 7:30 रात में भी इतनी सुबह जैसी फीलिंग हो रही है, तो सोचिए गुजरात की क्या दशा होगी। गुजरात में तो और भी ज़्यादा, लगभग 8-8 तक अंधेरा होता होगा। हाँ, लेकिन सुबह थोड़ी सी देर से होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी हम लोग डल झील के पास हैं और हज़रत बल के का हम लोग दरगाह में, हम लोग हज़रत बल के में गए थे। हज़रत बल के लिए कहा जाता है कि मोहम्मद साहब की के दाढ़ी का बाल यहाँ पर था और वो उन्हीं के घर के एक मेंबर थे जो उसे लेकर के यहाँ पर आए थे और वो यहीं पर उनकी डेथ हो गई। अपनी डेथ से पहले उन्होंने उस बाल को एक व्यापारी को दे दिया था और वो व्यापारी जो था उससे एक बार जब औरंगज़ेब को पता चला, जिसका शासन यहाँ पर था, तो उसने उस व्यापारी से ले लिया। लेकिन बाद में औरंगज़ेब को लगा कि नहीं, ये बाल मुझे वापस कर देना चाहिए था, तो वो बाल औरंगज़ेब ने उस व्यापारी को वापस करने के लिए कहा, लेकिन तब तक उस व्यापारी की मृत्यु हो चुकी थी। और फिर उस व्यापारी के शव के साथ उस बाल को उसकी बहन को यहाँ पर सुपुर्द किया गया। तब से लेकर के अब तक वो बाल यहीं पर है। तो इस्लाम से जुड़ा ये बहुत ही बेहतरीन, यानी इस्लाम में बहुत मान्यता प्राप्त ये जगह है हज़रत बल की दरगाह। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए। अभी देखिए श्रीनगर का ये नज़ारा और श्रीनगर का ये दृश्य। अभी हम चलेंगे डल झील की तरफ से, तो आपको डल झील का अभी थोड़ा सा लुफ्त हम देते हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि आपको वीडियो, ये देखिए सामने हमारे जो लेक है, ये डल लेक है। अब इसको देख करके आप डल लेक का अनुमान मत लगाइएगा, ये डल लेक का पिछला हिस्सा है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है गंदा है, लेकिन हाँ, ये डल लेक बहुत लंबे चौड़े इलाके में फैली हुई है और डल लेक कश्मीर की जान है। डल लेक के भरोसे बहुत सारा कश्मीर का परिवार चलता है, क्योंकि डल लेक बिजनेस का एक मुख्य साधन है कश्मीर में। आपको यहाँ पर देख रहे हैं ये बेहतरीन होटल्स ऐसे मिलेंगे, बहुत बड़े होटल नहीं हैं, नॉर्मल ही हैं, लेकिन हाँ अच्छे हैं।